ओ यार इतना गंदी हिमालयन कैसे हो गई? ओ भाई ये तो उड़ता हुआ आ रहा है चारों तरफ से। अरे यार ये बंदा क्या है यार, ये भाई मिट्टियां उछाल उछाल के जा रहे हैं। कुत्ता सर थिंकिंग की हो क्या रहा है, इतने लोग पागल क्यों हो रहे पड़े हैं यहाँ पे। थ्रॉटल 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 अरे ये कहाँ से आ रहा है भाई वो क्या रहा है ये? यार सैंड में थ्रॉटल देना होता है यार, क्या फिसल रहा है यार। यार वो मैं उसके पीछे था ना, वो रुक गया तो मेरे को रुकना पड़ा। इसको पता नहीं है क्या मोमेंटम इज इज बेस्ट फ्रेंड। एक बंदा डंडा मार रहा है, क्या हो गया भाई? अरे बाबूजी आज के बाद में कोई बाइक वाला आग लगा के उसको नहीं निकले वापिस जाओ। नहीं जाके वापिस जाओ, नहीं जा रहे इधर वापिस जाओ। हम पागल गुस्सा पागल बुढ़ा दी पास भाग रहा हूँ। अरे हम घुमा रहे बोर्ड बाइक घुमा रहे आज के, अब पागल है मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। नहीं आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। 20 बार माफी मांग के चले गए और फिर हमें यहाँ मंगाते फिर मंदिर। अभी अभी बुलाते बच्चे को, उससे बोल फोन कर हम तो कई महीने आए हैं घुमा रहे थे। कोई बात नहीं, वहाँ बुला 15-20 लड़के बुला, जस्ट हेल्प हिम अप, जस्ट गो हेल्प हिम अप, हेल्प हिम अप। आपके ऊपर फेंकी? नहीं नहीं उसके ऊपर, मेरे को देखने वाला था मैं, इसलिए तो गिर गया। एक सेकंड गियर को नहीं लगाया हुआ, चलो हो गया। हाँ स्टैंड लगा, छोड़ दो। दिस इज डेंजरस स्टफ दैट वी डू मैन। ये रास्ता किसी ने बाप ने मनवाया, हमने मनवाया। आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। नहीं गलती मान लिया ना, सॉरी गलती मान लिया। आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। शांत 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 हो जाओ, शांत शांत। जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। खराब तो सब कोई करता है, बनवा सारे नहीं नहीं हम मिट्टी नहीं गिरता कोई भी। चलो नहीं सही कह रहे हो आप। चलो कोई दूसरा रास्ता बता दो बाबूजी, ये वाला यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता बता दो फिर। यहाँ से दूसरा रास्ता नहीं है, यही रास्ता। अच्छा पर जो आते हैं रास्ता खराब करने के लिए नहीं है। मान गया सब लोग, आप लोगों के सामने हाथ फैला के हम रास्ता बनवा रहे कैसे कैसे। मंदिर 1000 साल पुराना है। बिल्कुल दर्शन करो, ये वाला मतलब इधर इधर खड़ा है खराब, ये वाला एरिया कह रहे हो ना आप, इस पे नहीं चलानी ये कह रहे हैं। देखो डिस्टरबेंस किसी को नहीं होनी चाहिए, ये कायदे से जगह है यहाँ पे है। देखो अगर हम कहीं से भी आ रहे हैं यहाँ आके तो शांति से रहे, बिल्कुल शांति से रहो, जायज बात है। चलो चलो सॉरी बाबू सॉरी, थैंक यू, गुस्सा मत कीजिए आप। चलो अभी हम यहीं से चलेंगे फिर, धीरे धीरे यहीं से जाना भाई, लट पड़ जाता ना। दैट वॉज अब बाबा थ्रोइंग लट्स एट अस, आई थिंक थोड़ा सा वो इधर उधर आगे वाले एक दो एक्सपल्स वाले भाई लोग थोड़ा सा देवर डूइंग सम सर्कल्स इन द फ्लैट एरिया इन फ्रंट ऑफ द मंदिर, सो ही गॉट एग्रीवेटेड बाय दैट, इज काइंड ऑफ राइट। सो वो अवॉइड करना है अगली बार से, अगर आप भी कभी आओ इस ट्रेल पे, सो डोंट डू दैट स्टफ हेयर इन फ्रंट ऑफ द मंदिर। यार कुछ खाते पीते हैं, चलो ठीक है वो ट्रिप मशीन चलेंगे। ट्रिप मशीन, हाँ बैक टू ट्रिप मशीन कैफे। यार रोड पे चला के इतना मजा आया ना, आवाज इतनी अच्छी लगी ना, ये रोड पे ना बड़ी, ये रोड पे बेटर चलती है ना। हाँ। यार ये मेरी टोपी का क्या हो गया यार, क्योंकि अब
बारे में वो नहीं है ना। ये मैं अपनी टोपी का क्या करूँ साले, पहन ले भाई ऐसी टोपी पहनू मैं। हुआ क्या जब व्हेन यू रीच देयर वहाँ बाकी लोग आए नहीं थे तो ये बोर हो रहा था, इसने कहा कि कौन नीचे पैर रखेगा और खड़ा होगा तो इससे अच्छा ये घुमा लेता हूँ तो वहाँ पे वो ऐसे एलिफेंट टर्न मारना शुरू कर दिए बहुत सारे। भाई पैर ना रखना पड़े तो चलो मैं दो बार चक्कर लगा लेता हूँ ऐसे ऐसे। अच्छा क्योंकि इसका साइलेंसर फटा हुआ है उठाने की कोशिश कर रहा था। प्रीतम में था पहली बार गुस्सा था अंदर पहले लट पड़ गया। प्रीतम कहता और वो डंडा नहीं है इट इज एन आयरन रॉड। तो पीछे कौन खड़ा था मतलब थोड़े डिस्टेंस भी खड़े थे ना सारे बाइक्स, हम लोग रुक गए थे जब ये वहां पे लट बज रहे थे और एक प्रीतम की बाइक लेफ्ट में गिरी हुई दिख रही वो मेरे सामने गिरी उसकी बाइक। हां मेरे वो ऐसे खड़ा हुआ मेरे को लगा पड़ गया लट से। यार बाबा को सफेद वाली बीमारी हुई हुई थी नहीं, ये जो बंदा था ये एक्चुअली यही बाबा है जिनके नाम पे बाबा लैंड नहीं यार नहीं नहीं अच्छा बाबा लैंड तो मस्त है। बाबा लैंड में तो वो हमें कीकर की दारू पिलाता है यार मतलब। अच्छा, ये मंदिर के पहरेदार थे। ये मंदिर के पहरेदार पुजारी टाइप के होंगे वो तो सुबह 6:30 बजे हमें कीकर की दारू पिलाता है यार। आप एक रैंडम ग्रुप में डल गए फिर क्या हुआ, नाम नहीं लेंगे। उन्होंने बोला कि हमें जाना है एक राइड पे, व्हाई डोंट यू कम अलोंग। मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ, वी आर नॉट रिटर्न टुगेदर। तो फिर उसके बाद उसने शाम को बोला कि वो एक ग्रुप पे ऐड कर देता हूँ आपको। तो जो हमारे जैसे जनरली ग्रुप सब बना लेते हैं 4 लोगों का, जैसे लैंडोर गए थे तो हमने ग्रुप बना लिया। हाँ, लैंडोर ग्रुप। तो उसने मुझे एक ग्रुप में डाला, लेकिन उस ग्रुप में कितने लोग थे, जिसके ये मुखिया है ये और इन्होंने हम सबको ट्रेल राइडिंग सिखानी थी जो मतलब अभी 1 साल बाद अभी उसका मुहूर्त आया है वो भी मैं पीछे पड़ पड़ के। ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर जैसे मुझे भी ज्वाइन करना हो? यू हैव टू बी बकचोद। वो तो ये तो ज्यादा है ना। नहीं तुम उतने ज्यादा नहीं हो सकते। और मेंबरशिप ज्वाइनिंग फीस भी होती है ऐसे 2400। और इसमें बकवास होती रहती है? नहीं, वेरी सीरियस। वेरी सीरियस बकर। बॉनविल का प्लान है ना? हां एक्टिवेटेड। बॉनविल का प्लान है? कब दे रहे हो बॉडी? पाथ पेपर्स पे खड़ी है दो। एक पड़ी है थ्रक्स्टन 900 भी आती थी कोई पुरानी वाली। हाँ वो पड़ी है वो भाई। हाँ आफ्टर सेल सेट है, गरीबों वाली बातें बनकर नहीं खरीदे तो जाके एक्स्ट्रा पैसे देंगे प्रीमियम। ब्लैक मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ यार, तू और आती है नहीं ले लूँ। और एक स्ट्रीट ट्विन पड़ी, स्ट्रीट ट्विन में तो वो मजा नहीं आया। पागल हो गया है क्या? कौन पी रहा है ये? मैं भी पी रहा हूँ। किसने पिया नहीं है? मुझे फिर से पी रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा। थैंक यू। Can you get one more? ये अबे साले ये मेरा ये मैं इसका वीडियो बनाता हूं। गिर जाएगा मार दूंगा। एक पी चुका था तू पहले से, ये मेरा दूसरा। नहीं हरामी मैं थूक दूंगा, मेरे को एक सिप दे दे, एक सिप दे दे वरना थूक दूंगा। यार ये बंदा वो दे डुबो दे गाड़ी दो यार, ये अपनी डिटेल्स गेट टाइम लट्टे डाल देता है, लट्टे झूठ डुबो देता है इसमें। बेल्जियन कंटामिनेटेड शिट। ये बंदा पहले सब कुछ खाता है फिर कहता है आई एम ऑन बल्क। उसने स्टेटस में लिखा है कि My lean phase failed, इसलिए मैं बल्क पे हूँ। बेसिकली जवान नहीं हूँ इसलिए बल्क पे हूँ। इतना बल्क नहीं करना चाहिए कि हकू करने के लिए बैठ ना पाओ। पता चला जी ऐसे अंदर से बल्क नहीं आ रहा बाहर। LEO apostrophe S Leo's, उसके बहुत अच्छे पीक था, कल रात खाया था। I think it's not some rating, it's on the top pizzerias. देखो, the fact that it's a wood fired of a pizzeria, already ऊपर ही होगा। ये वुड फायर्ड के चक्कर में ही हमने वो लंडोर में खाया था वुड फायर्ड एक। ओह या अमेजिंग था, बहुत अच्छा था, एकदम च्युइंगम जैसा पिज़्ज़ा था। तुम्हें वो भी अच्छा लगा? फिर तुम्हें ऐसे तो वो फिर जो वो आते हैं ना वो जो फ्रोजन वाले वो भी अच्छा ही लगेगा।
वो जैसे फ्रोजन रोटियां आती हैं, ऐसे फ्रोजन खाना बना हुआ आता है, बस गर्म कर दो ओवन माइक्रोवेव। वो लैंडोर वाला पसंद आ गया है। सरकारी सांड है ना, जो जाए आता है बल्क उतर आता है। चल सकते हैं बट वो माइनस माइनस हरिद्वार वाला नहीं, माइनस वो हाईवे मेरठ वाला। मैं तो अब की बारी तेरे वाले रास्ते से आऊंगा, वो जो नोएडा वाला ईपीवी वाला ना गया था। हां हां, मार लो कटिया खुदू, नहीं कर।